बाघ परियोजना सरिस्का में लगी आग और पिछले 3 माह से गायब बाघ ST-13 की जांच की मांग की गई है। पिछले कुछ समय से हो रही घटनाओं से अलवर की लाइफलाइन सरिस्का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। एक के बाद एक हो रही एक घटनाओं से इसका भविष्य धूमिल नजर आने लगा है। ऐसी स्थिति में मदद की नहीं सोचने पर अलवर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वर्ष 2005 में सरिस्का बाघ विहीन हो जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे आबाद करने के लिए जो निर्णय लिया था उसका परिणाम सभी के सामने है। जागरूक लोगों का कहना है कि बाघ ST-13 करंट का शिकार हो गया है। जिन लोगों के खेत हैं उन्होंने अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी की हुई है जिस पर रात्रि में वो हाई टेंशन लाइन से विद्युत चोरी कर इन तारों में करंट छोड़ देते हैं। इससे वन्य जीव मौके पर ही मर जाता है। यह बाघ भी इसी तरह शिकार होना बताया जा रहा है लेकिन आज तक वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। ST-13 जो मिसिंग है हमें शक है और हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि ST-13 को पोस्ट किया जा चुका है, उसका शिकार हो चुका है। और हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है सरकार से, वन विभाग से, वन विभाग के उच्च अधिकारियों से, केंद्र सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो जिसके अंदर सारे तथ्य सामने निकल कर आएँ और सरिस्का के अंदर जो आग लगी है उसकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, उनके कारणों का पता लगना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं, दोषी जो भी स्टाफ है जिनकी वजह से वो आग फैली उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरिस्का की वाइल्ड लाइफ में जो इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं उस संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई है और अब तक की मॉनिटरिंग जो हमारे हमने अपने सोर्सेज से किए उसके हिसाब से हम हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप लोगों को सबों को ये जानकारी है कि आग एक जगह लगी है, उसके बाद में 3 जगह लग चुकी है। उमरी तिराए पर भी लगी है और जहाजपुर में भी लगी है, जहाज के जंगल में भी लगी है। जहाज का जंगल तो इतना खतरनाक जंगल हो जाता है कि वो सुरक्षा तक आ जाती है आग थोड़े बहुत दिनों तक और चलती है। ये तो ईश्वर की देन है कि इस वक्त विंड इतनी हवा तेज नहीं है और अब जैसे अब आगे उम्मीद है कि मौसम बदलने वाला है तो इस तरह का मौसम होता है और आगे भी उम्मीद है कि 2 महीने की गर्मी इतनी तेज पड़ेगी जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब भी इनको नहीं चेते तो ये जंगल सुहावा हो जाएगा, सारा सारा टाइगर तो टाइगर और कोई भी जानवर भी नहीं मिलेंगे अगर यही हालत रही तो। मॉनिटरिंग इन तरह से इनके पास नहीं है तो इन्होंने EDC के जो मेंबर हैं उनको सबको ड्राइवर लगा रखा है जिप्सी का, उन्हीं को गाइड लगा रखा है और कोई आदमी नहीं है। EDC तो काम कर नहीं रही और मैं तो ये कहता हूँ सरिस्का फाउंडेशन का इतना पैसा आता है गाड़ियों की एंट्री का, उस पैसे को इस सरिस्का पे ही लगाया जाए तो ज़्यादा बेटर हो। उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, हमको तो कोई बताता ही नहीं है ना इस बात को, तो हम समिति के मेंबर होने के नाते भी हमको कोई बताता नहीं। ट्रैक बनाए हैं दो नए, उनकी आज तक हमारे द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगी। हाँ 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 आप भाई और जाएँ तो जब हमको परमिशन मिले जाने के अंदर।